हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार चाइनीज़ रेसिपी। ये चाइनीज़ रेसिपी है चाइनीज़ फ्राइड राइस की। बहुत आसान रेसिपी है, चलिए इसे बना लेते हैं। देखते हैं किन इंग्रेडिएंट्स को लिया है। सबसे पहले मैंने चाइनीज़ फ्राइड राइस बनाने के लिए लिया है 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन यानी कि गार्लिक, और 1/2 टीस्पून मैंने लिया है बारीक कटा हुआ जिंजर यानी कि अदरक। अब यहीं पर बारीक कटी हुई बीन्स ली हैं 1/2 कप, 1/2 कप बारीक कटी हुई गाजर ली हैं, 1/2 कप मैंने पत्ता गोभी बारीक काट करके लिए, और साथ ही 1 कप के करीब मैंने स्प्रिंग अनियंस लिए हुए हैं। तो ये सारी सब्ज़ियाँ मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो कुछ और सब्ज़ियाँ भी डाल सकते हैं। वैसे ज़्यादातर इसी तरह की सब्ज़ियाँ फ्राइड राइस में जा रही होती हैं। तो लहसुन जो है इस रेसिपी में बहुत ही ज़रूरी है। जो लहसुन का इस्तेमाल है वो बहुत ही इसमें फ्लेवर देता है। तो चलिए सबसे पहले हम कढ़ाई गरम कर लेते हैं। सारी रेसिपी को हमने फुल फ्लेम पर बनाना है। तो यहाँ पर करीब 1 टेबल स्पून से भी कम मैंने ऑयल लिया है। अब जैसे ही आपकी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाएगी तो आपने स्पून से इस तरह से जो भी ऑयल है वो कढ़ाई के चारों तरफ फैला लेना है। इससे ये होता है कि जो बर्तन है उस पर एक ऑयल की कोटिंग आ जाती है, जिस तरह के नॉन स्टिक बर्तन होता है उस तरह का इसमें एक लेयर आ जाती है और चावल वगैरह चिपकते नहीं। आप कभी भी रेस्टोरेंट में आप अपने सामने अगर चाइनीज़ फ्राइड राइस या चाइनीज़ रेसिपी बनवा रहे होते हैं तो वो इसी तरह से कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर हमने उबले हुए 1 कप चावल लिए हुए हैं। ये हमने उबाल कर ठंडे किए हुए होते हैं। ये ठंडे जो चाइनीज़ राइस होते हैं वो अगर ठंडे हों तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। गर्म चाइनीज़ चावलों से आप चाइनीज़ फ्राइड राइस ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये हमने पहले से ही बना करके 1 कप रखे हुए थे। तो चलिए दोबारा से कढ़ाई की तरफ आते हैं। दोबारा से एक बार और हम चारों तरफ ऑयल फैला लेते हैं और अब हम शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। तो लहसुन यहाँ पर सारा डाल दिया है। उसके बाद हमने डाला है अदरक यानी कि जिंजर और गार्लिक बारीक कटे हुए हमने डाले हैं। फुल फ्लेम पर कुकिंग कर रहे हैं तो कुछ सेकंड ही हमने ये जिंजर गार्लिक हमने भूनना है। उसके बाद जो बाकी की बारीक कटी हुई सब्जियां हैं वो हमने बारी बारी सारी ही सब्जियां डाल लेनी है। तो जो कप मैंने आपको दिखाए हैं वो यहाँ पर थोड़े लग रहे हैं क्योंकि 1 कप कच्चे चावल थे, तो वो करीब समझे उबलने के बाद 2 से 2.25 कप हो गए हैं। तो ये सारी सब्जियाँ हमने डाल लेनी है फुल फ्लेम पर। हमने इसको कुछ सेकंड भून लेना है, गलानी नहीं है, सब्जियों में थोड़ा क्रंच रहना चाहिए तभी फ्राइड राइस अच्छे लगते हैं। तो चलिए अब ये हमने भून लिया है, अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस वगैरह डालते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाला है। अगर आप चावलों में उबलते हुए नमक डाल रहे हैं तो यहाँ पर उस हिसाब से आप नमक को कम कर दीजिएगा। अब यहीं पर मैंने 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला है। कुटी हुई काली मिर्च का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ सेकेंड दोबारा से हमने मिक्स करके भून लेना है और उसके बाद हमने इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स दोबारा से मिलाने हैं। तो चलिए हम इंग्रेडिएंट्स को बारी बारी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच विनीगर। छोटा चम्मच ही मैंने लिया है, बड़ा चम्मच नहीं लिया है। अगर आप मेरे बराबर की क्वांटिटी बना रहे हैं जितनी मैं बना रही हूँ तो आप इसी तरह से बनाइएगा तो बहुत मज़े के बनेंगे। तो यहीं पर 2 चम्मच मैंने चिली सॉस डाला है और अब हम बाकी का डाल देंगे इसमें सोया सॉस वगैरह। तो सोया सॉस अगर आपके पास डार्क है तो आप थोड़ा सा ही डालें, नहीं तो कलर बहुत ज़्यादा हो जाएगा डार्क। तो यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच ही डार्क सोया सॉस डाला है। तो बस इसको कुछ सेकंड अच्छे से भूनेंगे और बस ये हमारा जो मिक्सचर है वो तैयार हो जाएगा। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे उबले हुए चावल। तो ये उबाल करके पहले से रखे थे और बस अब हमने हल्के हाथ से इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बीच में चम्मच चावलों के बिल्कुल भी नहीं मारना है, चावल टूटे नहीं, इस बात का बहुत अच्छे से आपने ध्यान रखना है। और बहुत आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, फ्लेम फुल ही रहेगी पूरे टाइम और ये सारे काम आपने फटाफट से करने हैं। तो बस ये बहुत ही मज़ेदार बनता है मंचूरियन, मैंने आपको बनाना बताया हुआ है। तो फ्राइड राइस के साथ मंचूरियन बॉल्स बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं आपको ऊपर लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर चेक करिएगा और ज़रूर इस रेसिपी को तैयार कीजिएगा। तो
तो बस कुछ देर हम इसको पका लेंगे जिससे कि चावल अच्छी तरह गर्म हो जाएं और जो भी हमने मसाले डाले हैं, सॉस वगैरह डाले, मसाले तो इसमें डलते नहीं हैं, जो भी सॉस हमने डाले हैं वो अच्छे से चावलों में मिक्स हो जाए। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए इसको गार्निश कर देते हैं थोड़े से स्प्रिंग अनियन से। स्प्रिंग अनियन थोड़े से हमने गार्निशिंग के लिए बचा लिए थे। अब यहाँ पर हम इनको सर्व करेंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी डिफरेंट सी प्लेट ली है जिससे मैं फ्राइड राइस और मंचूरियन बॉल्स दोनों ही सर्व कर सकूं। तो ये लीजिए, हमने यहाँ पर फ्राइड राइस निकाल दिए हैं, साथ ही हम यहाँ पर मंचूरियन बॉल्स जो हमने बनाई थी वो भी सर्व करेंगे। दोनों रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपने मेरी मंचूरियन बॉल्स की रेसिपी नहीं देखी है तो मैंने अभी आपको पीछे लिंक दिया है, आप ज़रूर देखिएगा। और डिस्क्रिप्शन में भी आप देख लिया करें, कई बार मैं लिंक्स उसमें भी डाल देती हूँ, तो ज़रूर मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और इन रेसिपीज़ को अगर आप बनाते हैं, आपको पसंद आती हैं, तो मुझे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बताई हुई रेसिपी आसान और मज़ेदार ज़रूर लगती होंगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ आसान लगती हैं, मज़ेदार लगती हैं, तो रेसिपीज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। और मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।